body called as elevation of boiling point. So what we are going to discuss? We are going to discuss boiling point elevation. Boiling point elevation. In this session, we are going to discuss boiling point elevation. So, पहले boiling point elevation ये जो concept है, पहले concept देखेंगे, फिर उसका relation क्या है, किसके साथ, molarity, molality, किस way of expressing concentration के साथ boiling point elevation का relation है, वो देखेंगे. तो वापस वही diagram and वही scene हम लोगों को create करना पड़ेगा. कौन सा? जो हम लोगों ने किया था. क्या ये? This is pure solvent. सभी molecules कौन से हैं? Pure solvent के. All the molecules of प्योर सॉल्वेंट कहां पे? ऑन सरफेस. सरफेस के ऊपर सभी मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट के हैं. देयरफॉर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर एंड क्या? वेपर प्रेशर इज मोर. यहां पे क्या है? On the surface, some of the particles are of non-volatile solute. Therefore, rate of evaporation क्या है? Less and vapor pressure is also less. यही situation देखी थी ना हम लोगों ने कि जब non-volatile solute add किया जाए pure solvent में and solution बना जाए, surface जो है किसका? Solvent का. उस surface के solvent particles को displace करके surface के ऊपर कौन आ जाता है? Non-volatile solute के particles. Therefore, rate of evaporation कम हो जाता है and vapor pressure solvent का solution बनाने के बाद non-volatile solute add करके solution बनाने के बाद vapor pressure क्या हो जाता है? Decrease, yes or no? And इसी को हम लोगों ने vapor pressure lowering कहा था. इस vapor pressure lowering के कारण ही boiling point elevation होता है. So क्या लिखता हूँ देखो, boiling point elevation is क्या? बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन इज, बोलो,
boiling point elevation is direct consequence of. Vapor pressure lowering. तो अब मुझे ये बताओ, इस केस में रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा है, तो इसके लिए फॉर प्योर सॉल्वेंट कौन सी कंडीशन लाने के लिए, फॉर प्योर सॉल्वेंट कौन सी कंडीशन लाने के लिए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर प्योर सॉल्वेंट ऊपर लिखता हूं, फॉर प्योर सॉल्वेंट टू अचीव कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, यानी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हीटिंग, इसको कम हीट करना पड़ेगा. यस और नो, इसको कम हीट करना पड़ेगा या ज्यादा, फटाफट बोलो, इसको कम हीट करना पड़ेगा या ज्यादा. इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है ना, कम हीट करके ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इक्वल किया जा सकता है, मतलब बॉइलिंग की कंडीशन लाई जा सकती है. यस और नो, बॉइलिंग की कंडीशन क्या है, जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का या किसी सब्सटेंस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो लिक्विड बॉइल होने लगा है. सो बॉइलिंग के वक्त क्या होता है, एक्चुअली वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वलाइज हो जाता है. यस और नो, यस और नो, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वलाइज हो जाता है. यस और नो, लेकिन वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल करने के लिए इस प्योर सॉल्वेंट को कम हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा वेपर ऑलरेडी दे रहा है. तो जब थोड़ा सा हीट करोगे, इससे बनी हुई वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जल्दी इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब इसको कम हीट करना पड़ेगा. समझ में आ गया प्योर सॉल्वेंट को क्यों कम हीट करना पड़ा, गाइस आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है सबके, प्योर सॉल्वेंट को क्यों कम हीट करना पड़ा. यस, प्योर सॉल्वेंट को क्यों कम हीट करना पड़ा, आई एम आस्किंग एवरीवन. अरे ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने, लेस हीटिंग इज नीडेड क्यों लिखा, एज वेपर प्रेशर इज ऑलरेडी मोर, इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल करने में ज्यादा हीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसको, प्योर सॉल्वेंट को. यस ओके, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसा होता है, लेस, बट इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज, वेपर प्रेशर क्या है, लेस है, वेपर प्रेशर कम हो चुका है ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की पार्टिकल्स भी है, वो तो वेपराइज नहीं होंगे, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस के ऊपर कम है, उन्हीं का सिर्फ वेपराइजेशन होगा, तो वेपर प्रेशर रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण, एंड वेपर प्रेशर भी लेस है, वेपर प्रेशर लेस है, देयरफॉर टू अचीव कंडीशन ऑफ बॉइलिंग कौन सी, वेपर प्रेशर
vapor pressure is equal to atmospheric pressure more heating is needed. ज्यादा हीटिंग चाहिए, तो ज्यादा हीटिंग चाहिए मतलब दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस बढ़ेगा. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बढ़ेगा. यस और नो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि ये ज्यादा टेम्परेचर को बॉइल होगा देन प्योर सॉल्वेंट. समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, ये ज्यादा टेम्परेचर को बॉइल होगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लो है एंड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर जब तक नहीं होता. जिस टेम्परेचर को वेपर प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वलाइज होगा उस टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. और वो टेम्परेचर यानी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वेपर्स प्रोड्यूस होंगी. और वेपर्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए और वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर करना है किसका, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. यस और नो, किससे, देन सॉल्वेंट. ये समझ में आ गया सबको, यस और नो, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सबको, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, समझ में आ गया सबको. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइज. हो गया, हो गया, ओके. अब देखो तो यही है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फंडा. इसका मतलब क्या, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure is its boiling point. And to make solution of non-volatile solute, to make solution of non-volatile solute boil, comma, as its vapor pressure is low, it needs to be heat more, it needs to be heated more, that is its temperature needs to be increased so that more vapors are produced. More vapors are produced and vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Thus, this is called as, this is called as, this is called as boiling point
This is called as boiling point elevation. इसी को कहते हैं boiling point elevation. Have you got this? ये समझ में आ गया सबको? Guys, this is called as boiling point elevation. इसी को कहते हैं temperature बढ़ाना पड़ा क्योंकि less vapors produce हो रही है. Solution of non-volatile solute, जिसका vapor pressure कम हो गया है, non-volatile solute add करने के कारण सॉल्वेंट का जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर कम हो चुका है, इसलिए उसको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है. इसी को कहते हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट ऑफ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? यस और नो? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बॉइल्स at high temperature, boils at high temperature than the pure solvent. Than pure solvent, pure solvent से ये ज्यादा temperature को boil होता है. Therefore, if क्या अगर मान लिया कि T क्या है, अगर मान लिया कि T क्या है या टीबी क्या है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, टीबी जीरो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन क्या, देन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट के. वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर कम होने के कारण ज्यादा हीट करना पड़ रहा है सॉल्यूशन को, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. देयरफॉर डेल्टा टीवी यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहेंगे, जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही कहेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन. समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन सबको? बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन समझ में आ गया सबको? यस और नो गाइस? बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? यस और नो? होप सो कि बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आ गया है सबको. समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला? सबको समझ में आ गया? आई एम आस्किंग एवरीवन रे गाइस डू रिप्लाई. ये समझ में आ गया ये डिस्कशन? सो किसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और बढ़ गया, एंड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एंड ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये फिनोमेनन ऑफ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, एंड इसका क्यों कम है, क्या रीजन है, रीजन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों है जरा ध्यान देके बताओ, क्यों इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है, क्यों इसको कम हीट करना पड़ता है, क्यों ये ज्यादा हीट कंज्यूम करने के बाद बॉइल होता है, ये इजीली बॉइल होता है, फटाफट जरा ध्यान दो और मुझे बता दो क्यों ऐसा हो रहा है. साक्षी, साक्षी, संस्कृति, सिद्धि, सोहम, अगर ये समझ में आ गया हो तो बता दो.
अरे बता दो क्यों ज्यादा हीट करना पड़ता है इसको, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसको कम हीट करना पड़ता है, अभी बोला ना। अरे यहाँ पे रीजन है, अगर आप लोगों को रीजन ही सामने नहीं दिख रहा है 1 मिनट के टीचिंग के बाद, अबे नॉन वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल होने के कारण क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, अरे इसको क्यों ज्यादा हीट करना पड़ा, क्या कम है उसका, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो रे, आप लोग बोलते नहीं हो, सिर्फ वो कैसे बंदे होते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं, खा पी के आलसी सुस्त लोग, उनके जैसा ऐसा बैठे रहते हो, फटाफट तो कोई चीज बोलते नहीं हो आप लोग, क्यों रे इतना यहाँ पे लिख के देने के बाद ये क्यों हो रहा है, ये समझाने के बाद पता चलना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है और प्योर सॉल्वेंट के केस में बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसको क्यों ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसको क्यों कम हीट करना पड़ता है, रीजन वही है ना, क्या रीजन है इन सब के पीछे, क्या रीजन है, एक ही रीजन है जो यहाँ पे दिया है, ये सब आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके कारण होने वाली है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखी, फटाफट बोलो, चलो अदिति, साक्षी, साक्षी, संस्कृति, सिद्धि, क्या रीजन है बोलो, माइक ऑन करके बोलो रे फटाक से, डोंट वेस्ट माय टाइम, अरे क्या रीजन है, समझ में आ रहा है, अरे ये समझ में आ रहा है क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, फटाफट हाँ या ना बोल दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आंसर दे दो, अरे गाइज आई एम आस्किंग यू समथिंग रे, चला ऑफ द मीटिंग, लेक्चर बंद कर दूं क्या, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक, एक ही चीज 3 बार पूछनी पड़ती है, हेलो, चलो ठीक है आप भी खड़े रहो, मैं भी ऐसे ही खड़े रहता हूं, जितनी देर तक आप आंसर नहीं करोगे तो उतनी देर तक मैं भी खड़ा रहता हूं, युवराज, सोहम, आदिति, अथर्व, जितनी देर तक आप लोग आंसर नहीं करोगे उतनी देर तक मैं भी खड़ा रहूंगा, बाकियों का क्या है, सब माइक ऑन करो रे फटाक से, और समझ में आया या नहीं आया ये बोलो, पुट योर माइक ऑन एज अर्ली एज पॉसिबल, यस सर, तो बोलना, आंसर पूछा है ना मैंने, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा क्यों है, इसका क्यों कम है, इसका बॉइलिंग, यस नो मत बोलो, आई एम आस्किंग यू व्हाई इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई प्योर सॉल्वेंट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, यस नो नहीं चाहिए ये बोलो फटाफट, एक ही चीज 4 बार पूछने पड़ती है आप लोगों को, व्हाई यू आर डूइंग दिस, लिथार्जिक हो क्या कि सुनाई नहीं देता, क्यों ऐसा कर रहे हो, आई एम आस्किंग यू अ थिंग और अ क्वेश्चन एंड यू आर नॉट आंसरिंग, व्हाई, फटाफट बोलो, व्हाई सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड प्योर सॉल्वेंट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, मैं यही पढ़ा है आप लोगों को अभी, अगर समझ में आ गया हो तो इन क्वेश्चन के आंसर करो, तो इतनी चीज बताने में इतना टाइम लगा क्या सोम तुझे, एक ही चीज बताने में इतना टाइम लगा, 10 बार पूछने के बाद तू आंसर कर रहा है, व्हाई, कम से कम 5 मिनट से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब जाके आंसर कर रहा है, व्हाई, रेस्ट ऑफ द गाइस व्हाट इज द सिनेरियो विद देम, अदिति, संस्कृति, साक्षी, सिद्धि, तो एक ही चीज 4 बार पूछने के बाद आप आंसर कर रहे हो, एंड दिस इज समथिंग इज प्रिटी रॉन्ग, आता है नहीं आता है एक बार ही बोलो,
माइक ऑन करके भी टाइप करने की जगह पे माइक ऑन करके भी बोल सकते हो ना, सर इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है, इसको कम हीट करना पड़ता है, इसके लिए बॉइलिंग की कंडीशन यानी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन लाने के लिए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ता है, सॉल्वेंट को ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन कम हीट करने के बाद ही आ जाती है, यानी कि कम हीटिंग में ही ये बॉइल होने लगता है, इसकी बॉइलिंग की कंडीशन यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन प्योर सॉल्वेंट के लिए इजीली लाई जा सकती है, इसको कम हीट करने के बाद ही ये कंडीशन आ जाती है, ये कम हीट में ही बॉइल हो जाता है क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर करके इसको बॉइल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, यही यहाँ पे लिख के दिया है, फिर भी आंसर नहीं बता सकते, एक ही चीज चार बार बताने के बाद, एक ही चीज चार बार क्वेश्चन करने के बाद आप लोग आंसर बताते हो, स्क्रीनशॉट करो, आई एम गोइंग अहेड, आप लोगों से मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों, एक ही क्वेश्चन चार बार पूछने के बाद भी आप आंसर नहीं देते हो, फटाफट करो स्क्रीनशॉट, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन का, वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हम लोगों को फॉर्मूला की तरफ जाना है, ठीक है, तो चलो फॉर्मूला देखते हैं, अब जरा ध्यान दो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एज, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आया, टीबी माइनस टीबी जीरो, एंड ये जो डेल्टा टीबी है यही है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एंड ये टीबी क्या है, ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का ज्यादा है सॉल्वेंट का कम है, दोनों का डिफरेंस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एंड ये जो है डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज found to proportional to delta p boiling point elevation किसके साथ proportional पाया गया, delta p के साथ, यानी के p10 minus p यानी के vapor pressure lowering के साथ, ये डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या, जितना वेपर प्रेशर लोअरिंग होगा, वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज होगा, मोर द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के कारण जितना ज्यादा डिक्रीज होगा किसमें, जितना ज्यादा डिक्रीज होगा किसमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में, सोल्यूशन बनाने के बाद जितना ज्यादा डिक्रीज होगा यानी कि जितना डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना डेल्टा टीबी ज्यादा, मोर
इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा होगा करेक्ट, चाय बनाने की मेथड क्या है, हम लोग इंडियन लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं या दूध लेते हैं, उसमें ऑलरेडी क्या डाल देते हैं, टी पाउडर वगैरह डाल देते हैं, उसमें ऑलरेडी शुगर वगैरह डाल देते हैं, शुगर नॉन वोलेटाइल है, टी पाउडर नॉन वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा ऐड करते हैं और उसको गैस पे रख देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बाद वो उबालना स्टार्ट होता है, वो उबलना स्टार्ट होता है, ये सो नो, उसका बॉइलिंग स्टार्ट होता है। लेकिन उसी की जगह पे सिर्फ पानी रखो, किसके ऊपर, गैस के ऊपर, और टाइमिंग नोट करो, आपको दिखेगा कि सिर्फ पानी जो है जो रखा है आप लोगों ने, या सिर्फ दूध जो है रखा हुआ, वो जल्दी बॉइल होता है बराबर। अगर उसमें आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने चीनी या फिर टी पाउडर वगैरह ऐड करके रखी हो पहले से ही और फिर उबालना स्टार्ट किया हो, तो उस केस में ज्यादा टाइम लगेगा बॉइलिंग को। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है? इसीलिए फॉरिन में वगैरह, बाहर की देशों में वगैरह, मोस्ट ऑफ द जगहों पे कैसे किया जाता है, मतलब चाय वगैरह बनाना, पहले वो पानी उबाल लेते हैं, पानी उबाल लेते हैं, फिर वो जो है ना टी पाउडर की बैग्स आती है आजकल वो, एंड क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, उसमें उस गर्म उबाले हुए पानी में डीप कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एंड फिर बन जाता है उनका चाय, यस और नो? तो दैट इज मोर बेटर मेथड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पानी में अगर आप लोग चीनी डालोगे, उसमें टी पाउडर डालोगे, तो उसको उबलने में यानी कि बॉयल होने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? आप लोगों ने चीनी, टी पाउडर, ये जो क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड करके रखे हुए हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, रेज हो गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के चलते आप लोगों को उसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो उबलने लगेगा। कौन? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आप लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के रखा है, यस और नो? तो ये कॉमन लाइफ का एग्जांपल है हमारे, इससे हम लोग ये डेल्टा डीवी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आ गया व्हाट आई एम टेलिंग यू? समझ में आ गया व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस और नो गाइस? हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि करेक्टली टी बनाने की मेथड क्या होनी चाहिए, करेक्टली टी कैसे बनाया जाए, चाय बनाने की करेक्ट मेथड क्या है? सबको समझ में आ गया? क्या करो, सिर्फ पानी उबालो या पानी में चीनी डालो, टी पाउडर डालो, सब डालो फिर उबालो, पहले पानी उबाल लो या सब डाल के उबाल लो, फटाफट बोलो कैसे बनाना चाहिए आइडियली? सिर्फ पानी उबाल के फिर उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के चाय बनाना चाहिए, सभी इंग्रेडिएंट्स पानी में डाल के फिर उबालना नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा हीट लगेगी ना। आप घर पे करके देख सकते हो, एक काम करो, अगर आपके घर में जो गैस है उसके दोनों बर्नर्स सेम हो, जनरली घर का जो गैस है ना, जिसपे हम लोग क्या जिसके बर्नर पे हम लोग क्या उबालते हैं, बाकी चीजें उबालते हैं, अगर दोनों उसके बर्नर सेम है तो क्या करो, एक छोटा होता है एक मोटा होता है बराबर, जनरली ऐसा होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है, करेक्ट? तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों पे एट द सेम टाइम क्या करो, मत रखो, क्या करो, दोनों बर्नर सेम हो तो एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो, दोनों बर्नर से सेम हीट आनी चाहिए तब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करना है, दोनों साइड के बर्नर सेम है तो एक में सब इंग्रेडिएंट्स डाल के पानी रख दो उबालने के लिए, दूसरे में सिर्फ पानी उबालने के लिए रख दो, गैस ऑन करो, दोनों बर्नर अगर सेम है आपको दिखेगा कि जो सिर्फ वाटर वाला जो कंटेनर है वो क्या होगा, उसमें का वाटर, सिर्फ वाटर जल्दी उबलने लगेगा, और जिसमें सब इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हो आप लोग वो उबालने में टाइम लेगा। टाइम लेगा मतलब क्या, इट इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर हीट, इट इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर हीट। सपोज ऐसा हुआ 2 मिनट के अंदर पानी उबलने लगा, वो जो सब इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ पानी है उसको उबलने में क्या होगा 5 मिनट लगेंगे, यानी कि 3 मिनट उसने ज्यादा लिए। क्यों? वो ज्यादा हीट कंज्यूम कर रहा था, तब जाके ज्यादा हीट कंज्यूम करने के बाद उसका वेपर प्रेशर किसके साथ इक्वलाइज हो गया, उसका वेपर प्रेशर किसके साथ इक्वलाइज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, एंड तब जाके वो उबलने लगा। इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके उस पानी का सॉल्यूशन बनाया था आप लोगों ने, यस और नो? दिस इज कॉमन एग्जांपल, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। तो जितना ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करोगे, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का,
सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, मतलब क्या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने के बाद, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाने के बाद, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा, जितना डेल्टा पी का वैल्यू ज्यादा, उतना वेपर प्रेशर लोअरिंग ज्यादा। डेल्टा पी जितना ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर उतना लोअर हो चुका है, उतना डिक्रीज हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? यस और नो? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा मतलब क्या, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, ये ज्यादा डिक्रीज हो गया मतलब डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा, उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर ये 10 times डिक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 10 times बढ़ेगा। अगर ये 20 times डिक्रीज हो गया, ये 20 times बढ़ेगा। यस और नो? समझ में आ गया? वेपर प्रेशर लोअरिंग 20 times है तो ये 20 times बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? सो वेपर प्रेशर लोअरिंग की वैल्यू, वेपर प्रेशर लोअरिंग की वैल्यू ज्यादा, वेपर प्रेशर लोअरिंग की वैल्यू ज्यादा, डेल्टा टी भी ज्यादा। यस, हैव यू गॉट दिस? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए ये इनफ है, कल मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे डेल्टा टीबी का, इसी से निकाला हुआ। ठीक है, कल मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है गाइस, और थोड़ा अटेंटिव रहो, समझने के बाद आंसर किया करो। ठीक है, बाय गाइस।